हेलो एंड वेलकम टू जेके सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन की। दिस इज़ एन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। चूँकि ये सिलेबस में हमारे सेपरेटली मेंशन है, इसलिए इसका आप सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू एन एक्ट बनाया है, एंड दिस एक्ट वॉज पासड इन द ईयर 1963। और ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन रिसेंटली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अलग सी मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अब जितने सारे प्रोग्राम्स आज तक कोऑपरेटिव्स की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डील कर रही थी, आज के बाद वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे पॉलिसीज, वो सारी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस एनसीडीसी के क्या है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। इसके अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता है कोऑपरेटिव से, ये उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा इनकम जनरेटिंग स्ट्रीम्स ऑफ एक्टिविटीज़, मसलन जैसे पोल्ट्री है, डेयरी है, फिशरी है, सेमीकल्चर, हैंडलूम और बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है और कोऑपरेटिव्स उनको डील करते हैं, ये सारी उनके साथ डील करता है। ये एक्ट अमेंड किया गया लेटर ऑन ओरिजिनल एक्ट से, और जब इसमें अमेंडमेंट लाया गया, अब अमेंडमेंट के बाद इट विल नाउ बी एबल टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स इन रूरल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सेक्टर्स एंड फॉर सर्टन नोटिफाइड सर्विसेज इन रूरल एरियाज लाइक वाटर कंजर्वेशन, इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन, एग्री इंश्योरेंस, एग्रो क्रेडिट, रूरल सैनिटेशन, एनिमल हेल्थ। द गवर्नमेंट जो प्रमोट करना चाहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, इसने एक फर्दर स्टेप लिया कि गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू गिव लोन्स एंड ग्रांट्स एडवांसड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड डायरेक्टेड टू नेशनल लेवल एंड अदर सोसाइटीज़ हैविंग ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड वन स्टेट। यानी गवर्नमेंट ने लोन्स और ग्रांट्स देना शुरू किया इस कोऑपरेटिव NCDC को। लोन और ग्रांट में ये फ़र्क है कि लोन का रिपेमेंट होता है, लेकिन जो ग्रांट होता है इट इज़ वन साइडेड, ये गवर्नमेंट देती है किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट चूँकि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने लोन्स भी दे दिए, गवर्नमेंट ने ग्रांट्स भी दे दिए। और इन्होंने ये लिमिट एक स्टेट में नहीं रखा, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनको भी प्रमोट किया, और ताकि जो उनका रियल मोटिव है सर्विस टू इट्स मेंबर्स, वो जो है फुलफिल हो जाए। नाउ कोऑपरेशन कैन ऑल्सो गो इन फॉर डायरेक्ट फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर इट्स वेरियस स्कीम्स ऑफ असिस्टेंस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड कंडीशंस। अब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन जो है, पहले ये खाली प्लानिंग प्रमोटिंग वगैरह किया करती थी, लेकिन जब अमेंडमेंट आ गया उसके बाद ये कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस भी करना शुरू कर दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट को फंड भी कर सकती है, डायरेक्ट फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर वेरियस स्कीम्स, लेकिन इसको कुछ सेट ऑफ जो स्टिपुलेटेड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ द प्रमोशनल एंड द डेवलपमेंटल रोल इज डिस्टिंक्टली रिफ्लेक्टेड। जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन है, जैसे हमने ऊपर देखा कि इसका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्लानिंग करती है, उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, लोन्स प्रोड्यूस करती है, अगर हम इन सारी इसकी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उनको सम अप करेंगे, तो दिस हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। अब जब ये असिस्ट करती है प्लानिंग में, तो जितने सारे भी एनुअल प्लान्स आते हैं गवर्नमेंट के जो फॉर्मुलेट करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड को, तो उसमें NCDC एक काफ़ी अहम रोल अदा करता है। ये स्पॉन्सर करता है स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। स्पॉन्सर ये डिफरेंट तरीके से कर सकता है। इसके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है और इसे ये लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकता है एक रूरल सोसाइटी में या अर्बन सोसाइटी में, तो इट स्टार्ट्स टू स्पॉन्सर दैट वेरी प्रोजेक्ट और इंटीग्रेट करता है डिफरेंट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। चूँकि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन स्पेसिफिकली डील करता है कोऑपरेटिव्स के साथ,
तो ये एक्सटेंड करता है कंसल्टेंसी सपोर्ट भी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन कॉपरेटिव सेक्टर। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ कॉपरेटिव विथ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा, इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू कॉपरेटिव पर्सनल टू अपग्रेड दियर ऑपरेशनल स्किल्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फाइनेंसड बाय द कॉपरेशन। इसके अलावा ये बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करवाती है, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस होती है, वर्कशॉप्स कराती है, और उसका मकसद है कि ये फैसिलिटेट करे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस। द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर, इसके अलावा चूंकि ये मॉनिटर करती है डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ये डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की परफॉर्मेंस को भी असेस करती है, और उसके बिना पे जब इसे लगता है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, सो दिस हैज़ स्टार्टेड टू गिव द अवार्ड्स, यानी अप्रिसिएशन भी देता है, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन अवार्ड फॉर कोऑपरेटिव एक्सेलेंस भी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन दे देता है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सर्टिफाई करता है जिन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस स्कीम मैंने डायरेक्टली जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने चेकआउट की गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली है, दैट इज़ द सहकार मित्रा स्कीम। जो सहकार मित्रा स्कीम है दिस वॉज लॉन्च्ड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर, ये जून में पास की गई थी, और इस स्कीम का जो मेन एम है दिस विल प्रोवाइड द यंग प्रोफेशनल्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड लर्निंग फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन एंड कोऑपरेटिव्स एज पेड इंटर्न। यानी इसमें क्या काम है, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो काम करेंगे एज एन इंटर्न किसके साथ, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन में, और उसमें क्या किया जाएगा, 4 मंथ्स का मैक्सिमम सपोर्ट रहेगा, और इसमें कुछ इंटर्नशिप पैसा भी दिया जाएगा, एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा उन प्रोफेशनल्स को जो इसमें काम करेंगे। इसका मकसद ही क्या है कि ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो ये नए नए प्रोफेशनल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है जो न्यूली कॉलेज पास आउट्स होते हैं, उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जो इसकी जो सर्विस है, इसके जो मोटिव्स है, वो इनकल्केट करते हैं, ताकि जब वो डाइवर्स सोसाइटी में काम करें, अपनी अपनी फील्ड में चले जाएं, वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का यूज़ करें। एक और स्कीम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन की, दैट इज़ युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम 2019। ये गवर्नमेंट ने पास की थी टू प्रमोट स्टार्टअप कोऑपरेटिव वेंचर्स। सहकार मित्रा वुड ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योर रोल्स इन द कॉपरेटिव्स। इसका भी यही काम है कि ये जो है जो प्रोफेशनल्स होते हैं डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, ये उनमें इनकलकेट करता है लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर रोल्स। इसमें NCDC हैज़ एयर मार्केट फंड्स फॉर सहकार मित्रा पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम अंडर विच ईच इंटर्न विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट ओवर ए मैक्सिमम ऑफ 4 मंथ इंटर्नशिप पीरियड। यानी इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है इंटर्नशिप, ताकि जो बच्चे इसमें आए उसमें उनमें भी कुछ चाहत है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ पे कर रही है पैसे उनको, और इंटर्न वो बहुत कुछ सीख के चले जा रहे हैं, वो बहुत स्किल्स लेके चले जा रहे हैं। एंड इसका कुछ प्रोसेस सिंपल है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए, जो NCDC की साइट पे अवेलेबल है, एंड दिस वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन तो रिसेंटली कार्व आउट की गई है, इससे पहले जितने भी कॉरपोरेशन के प्रोग्राम्स थे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही रिलीज करती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, कुछ इसके रूल्स है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन के लिए, जो मैं अपने हमारा जो PDF होगा आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस PDF के साथ उसमें अपलोड किया जाएगा, आप उनसे गो थ्रू हो सकते हो ताकि आप समझ पाए कि इसकी वर्किंग कैसे है। बाकी इम्पॉर्टेंट जो भी मैं था हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching.